रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। आज लखनऊ का बढ़ेगा सियासी तापमान। अमित शाह, राजनाथ सिंह और सीएम योगी करेंगे जनसभाएं। डिप्टी सीएम मौर्य भी मांगेंगे वोट। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवार को उत्तर प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे। शाह दोपहर 1 बजे मठौंद मंडी स्थल तिंदुवारी बांदा, 2:45 पर कमौली उचहार और सायं 4 बजे रायबरेली में जनसभा को संबोधित करेंगे। सायं 5:45 पर महात्मा गांधी मार्ग कैंट लखनऊ में प्रबुद्ध जन संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को पीलीभीत सीतापुरवा लखनऊ के प्रवास पर रहेंगे, जहां कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे रामलीला ग्राउंड पूरनपुर, 12 बजे रामलीला ग्राउंड बिसलपुर पीलीभीत, 1:30 पर रेउसा चौराहे के निकट सीतापुर, 2:30 पर सिधौली रोड सीतापुर, 3:35 पर मिश्रिक मेला मैदान पहुंचेंगे। आपको बता दें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शनिवार को बाराबंकी व फतेहपुर के प्रवास पर रहेंगे, जहां कार्यकर्ता संवाद, संगठनात्मक बैठक व जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को फतेहपुर, लखनऊ व रायबरेली के प्रवास पर रहेंगे। मुलायम की गढ़ में अखिलेश के कौशल का इम्तिहान, इन चुनौतियों का करना होगा सामना। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लिए अब असली इम्तिहान आया है। इसमें उनके सियासी कौशल की परीक्षा होगी। अब इस तीसरे चरण के चुनाव से साफ होगा कि उनके अपने गढ़ में सपा क्या असर दिखा रही है। ये भी तय होगा कि सत्ता से बाहर रहते हुए वह भाजपा की चुनौती का सामना कर पाए या नहीं। इसी चुनाव में पता चलेगा कि शिवपाल यादव के साथ आने से सपा का कितना फायदा हुआ। खुद शिवपाल की प्रतिष्ठा भी दांव पर। तीसरे चरण के चुनाव वाले 16 जिलों में 59 सीटों पर चुनाव होना है। इनमें 7 जिले फिरोजाबाद, एटा, कन्नौज, औरैया, इटावा, मैनपुरी व कानपुर देहात तक सपा का खासा असर माना जाता है। ये पूरा इलाका सपा का पुराना गढ़ माना जाता है। मुलायम सिंह यादव ने यहाँ अपने जनाधार की मजबूत जमीन तैयार की है। मुलायम अभी भी मैनपुरी से सांसद है। वह भले ही बहुत सक्रिय ना हो, लेकिन उनकी शख्सियत असर डालती है। अब उनके बेटे अखिलेश यादव के लिए चुनौती है कि वह अपने गढ़ में पिछली बार भाजपा से मिली शिकस्त का हिसाब चुका पाते हैं या नहीं। सपा ने फिर अलापा ईवीएम राग, चुनाव आयोग से की मतदान के बाद ब्यौरा उपलब्ध कराने की मांग। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर तीसरे चरण का मतदान कल होना है। ऐसे में मतदान से ठीक पहले एक बार फिर सपा ने ईवीएम राग अलापना शुरू कर दिया है। इससे पहले भी अखिलेश यादव सहित विपक्षी पार्टियां ईवीएम में गड़बड़ी की बात कह चुकी है। समाजवादी पार्टी ने मतदान के बाद ईवीएम के वोटों में गड़बड़ी ना हो, इसके लिए चुनाव आयोग से मतदान समाप्त होने के बाद पीठासीन अधिकारियों के जरिए पोलिंग एजेंट को फॉर्म 17G की प्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने की मांग की है। समाजवादी पार्टी में सभी जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों को पत्र भेजकर मतदान के बाद ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। सपा ने अपने पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से कहा है कि स्ट्रांग रूम तक ईवीएम पहुंचने तक उस पर नजर रखी जाए। स्ट्रांग रूम सील होने के बाद भी जिला निर्वाचन अधिकारी से इजाजत लेकर वहां की निगरानी रखी जाए। गन्ने के बाद आलू क्षेत्र में पहुंचा चुनावी घमासान। अखिलेश और शिवपाल को यही घेर कर पुराना प्रदर्शन दोहराना चाहती है भाजपा। गन्ना क्षेत्र में 2 चरणों का चुनावी घमासान। तीसरे चरण में आलू उत्पादक क्षेत्र में पहुंच गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मध्य पश्चिमी और बुंदेलखंड क्षेत्र के 16 जिलों की 59 सीटों में से 36 सीटों पर आलू किसानों का दबदबा है। ये देश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक क्षेत्र है, इसलिए यहाँ की सियासत भी आलू के इर्द गिर्द घूमती है। चुनावी महासमर में उतरी सभी प्रमुख पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्र में आलू से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता दी गई है। सपा के इस गढ़ को भेदने के लिए भाजपा ने रणनीति तैयारी के साथ साथ आलू और टमाटर को एमएसपी के दायरे में लाने की घोषणा की है। इससे 100% सुनिश्चित करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए की मूल्य स्थिरीकरण निधि पीएसएफ बनाने का घोषणा पत्र में वादा भी किया गया है। आलू उत्पादक इस क्षेत्र के लिए ये बड़ा तोहफा हो सकता है। कहने को तो ये सपा का गढ़ है, लेकिन पिछले चुनाव में वह यहाँ हाशिए पर पहुंच गई थी। इस बार सपा को यहाँ से संजीवनी की आस है। वहीं अखिलेश व शिवपाल को यही घेर कर भाजपा अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश में जुटी है।
प्रियंका गांधी वाड्रा का भाजपा पर तंज, बोली एक सिलेंडर और मुफ्त राशन से नहीं सवरेगा भविष्य। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि जनता को सांप्रदायिक जाति और धर्म के आधार पर बांट कर वोट मांगने वाले भाजपा, सपा और बसपा जैसे राजनीतिक दलों की सरकारें लोगों को आत्मनिर्भर नहीं बल्कि मुफ्त की योजनाओं पर निर्भर बनाना चाहती है। लोग आत्मनिर्भर बन जाएंगे तो सरकार से सवाल करने लगेंगे, जबकि भाजपा सपा और बसपा का एक ही लक्ष्य है किसी तरह सरकार में बने रहना। महिलाओं को कांग्रेस की ओर से 40% टिकट देने की याद दिलाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आबादी को कोई नकार नहीं सकता। उन्होंने महिलाओं को सत्ता में उनकी भागीदारी दिलाने का वादा किया है। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि एक मुफ्त सिलेंडर के आधार पर आपसे बार बार वोट मांगा जा रहा है। एक सिलेंडर आपको सशक्त नहीं बना सकता। महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए उनकी पढ़ाई, सुरक्षा और सेहत की व्यवस्था के साथ रोजगार जरूरी है। आपके बच्चों का भविष्य मुफ्त राशन से नहीं बल्कि नौकरी से बनेगा। प्रियंका ने कहा कि 5 साल में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों 12 लाख पद खाली छोड़े हैं। इन पदों को भरने के बारे में सरकार चुप है। सपा और बसपा भी चुनाव के समय खोखली घोषणाएं करती है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया वीडियो, इतना तो मजनू भी नहीं बेटा लैला के प्यार में जितना। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं की बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक वीडियो ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। शनिवार को अखिलेश ने एक बच्चे का वीडियो ट्वीट कर लिखा, छोटे सरकार कह गए बड़ी बात। दरअसल वीडियो में दिखाया गया बच्चा कह क्या रहा है, इतना तो मजनू भी नहीं पिटा लैला के प्यार में जितना, बेरोजगार छात्र पिटे भाजपा की सरकार में। वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। दोनों ही प्रमुख दलों में भाजपा व सपा के लिए यह चरण अहम माना जा रहा है। इस चरण पर प्रदेश ही नहीं देश भर की नजर लगी हुई है। इसकी मुख्य वजह करहल विधानसभा सीट है। इस सीट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले जालौन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने खासकर किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान भाइयों, मिट्टी की कसम खाइए कि आप भाजपा का सफाया कर देंगे। जनसभा में अखिलेश यादव ने वापस लिए गए 3 कृषि कानूनों का भी उल्लेख किया। नरेंद्र मोदी का प्रयागराज परिक्षेत्र में लगातार 2 दिन होगा आगमन, 2 सभाएं करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के 5वें चरण का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। स्टार प्रचारकों की सभा और रैलियां भी होने लगी हैं। भाजपा ने सबसे पहले केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग व जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी की चुनावी सभा कराई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं होंगी। पीएम मोदी 23 फरवरी को कौशंबी तो 24 फरवरी को फाफामऊ में चुनाव सभा करेंगे। उनके आने से सियासी पारा और चढ़ गया है। भाजपा के प्रयागराज महानगर इकाई के प्रवक्ता राजेश केशरवानी ने बताया कि प्रधानमंत्री की सभा की तिथि तय हो चुकी है। इस बार उनका कार्यक्रम फाफामऊ में होगा। यहां से प्रतापगढ़ कौशंबी के साथ पूरे काशी क्षेत्र को संदेश की देने की तैयारी है। सभा को सफल बनाने के लिए पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों का क्षेत्र में दौरा शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा के लिए शनिवार तक स्थल का चयन भी कर लिया जाएगा। महोबा में असदुद्दीन ओवैसी बोले, अल्पसंख्यक और मुसलमान चुनाव में सपा योगी को तलाक कहने वाले हैं। महोबा में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इस बार बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि भाजपा उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक अपने हक के लिए सपा और मोदी योगी को तलाक 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 कहने वाली है। ओवैसी ने कहा है कि बुंदेलखंड के वीराने के लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी बराबर की कसूरवार है। बीजेपी सरकार में अधूरे पड़े अर्जुन सहायक परियोजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण कर दिया। लोकार्पण करने के दौरान बांध में पानी छोड़ा गया और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करके चले गए तो आज तक पानी बंद है। जिले में चुनाव प्रचार करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी और बाबू सिंह कुशवाहा महोबा पहुंचे। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी हमेशा ही दोगली पॉलिसी के तहत काम करती है जिससे बुंदेलखंड को कोई इंसाफ नहीं मिला है। कहा कि तेलंगाना में ही बुंदेलखंड जैसे हालात रहे हैं। पीने के पानी की किल्लत थी, बिजली नहीं मिलती थी, नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर थे। तेलंगाना अलग राज्य बना तो वहां आज विकास हो रहा है। लखनऊ में समाजवादी विजय यात्रा हजरतगंज से शुरू होकर चौक तक निकाली जाएगी यात्रा। सपा के वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद। 4वें चरण के मतदान से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां प्रचार में जुट गई हैं। शनिवार को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता की मौजूदगी में 20 किलोमीटर विजय यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा हजरतगंज से शुरू होकर चौक चौराहे तक जाएगी। शनिवार को निकाली जाने वाली यात्रा
लखनऊ की 4 विधानसभा से होकर गुजरेगी। हजरतगंज जीपीओ से होगी शुरू समाजवादी विजय यात्रा, शनिवार शाम को हजरतगंज से शुरू होगी। हजरतगंज बाजार होते हुए लालबाग चौराहे से नूर मंजिल, कैसरबाग चौराहा, नसीराबाद अमीनाबाद चौराहा होते हुए मौलवीगंज, रकाबगंज चौराहा, नदान महल रोड, नखास मार्केट, चरक चौराहा, चौक चौराहा से घंटा घर पर समापन होगा। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव का ताजा ओपिनियन पोल। किस बार यूपी में किस पार्टी की बन सकती है सरकार, इस बार उत्तर प्रदेश में काफी बड़ा उलटफेर हो सकता है। अब आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि क्या योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री बन सकते हैं या फिर बाजी पलट देंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। 2022 का चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, इसीलिए सभी की निगाहें यूपी पर है। आइए जानते हैं किस पार्टी को मिल रही है कितनी सीटें। सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी की। बीजेपी को यहाँ पर मिल 136 विधानसभा सीटें। आगे बढ़ते हैं, चलते समाजवादी पार्टी की ओर। समाजवादी पार्टी को यहां पर मिल रही है 192 विधानसभा सीटें। बहुजन समाज पार्टी को यहां पर मिल रही है 38 विधानसभा सीटें। कांग्रेस को यहां पर मिल रही है 33 विधानसभा सीटें। अन्य की बात करें तो अन्य को यहां पर मिल रही है 4 विधानसभा सीटें। अब आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि कौन सी सरकार पहले नंबर पर उभर कर सामने आ सकती है। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है।